फिलिप्स का 4.1 स्पीकर जिसपे आप लोगों को मिल रहा है ब्लूटूथ कनेक्शन, उसके साथ साथ आप लोगों को मिलेगा यूएसबी, एफएम रेडियो, एसडी कार्ड एंड उसके साथ साथ आप लोग ऑक्स केबल भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सिस्टम है ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि आप होम यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आप आपके टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली ब्लूटूथ है तो आप फोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इस पे आपको चार स्पीकर, जैसे मैंने बोला कि 4.1 है तो ऑब्वियसली चार स्पीकर मिल रहा है, तो उसके साथ एक वूफर मिल रहा है। तो चार स्पीकर जो है उसका जो ऑडियो आउटपुट है वो 50 वॉट का ऑडियो आउटपुट आप लोगों को मिल रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ही एक अच्छा स्पीकर मेरे को लगा, और इसका जो प्राइस है वो मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा, तो वीडियो को आगे देखते रहिए बिना स्किप किए। तो चलिए अब इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या है इस बॉक्स के अंदर, और उसके बाद आप लोगों को इसका साउंड टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा है इसका साउंड, और उसके बाद आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसका साउंड कैसा लगा, और आप लोगों में से कोई भी इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो या आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए। मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन पे इसका बाइंग लिंक दे देने का, आप लोग ऑनलाइन से इसको बाय कर सकते हो। बेसिकली ये जो है ये मैंने ऑफलाइन बाय किया है, रिलायंस डिजिटल से मैंने खरीदा है, तो प्राइस मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मेरे को मिल रहा है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। चलिए अब इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों इसको मैं पहले इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों मैंने फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने इसका साउंड टेस्ट किया दुकान पे ही, मेरे को तो साउंड काफी अच्छा लगा, और जो कलर है वो भी आप लोग देख रहे हो कि ब्लैक एंड ऑरेंज के ऊपर इसका शेडिंग किया गया है, तो बहुत ही अच्छा कलर भी है, कलर भी मेरे को अच्छा लगा। तो दोस्तों बॉक्स अगर मैं ओपन करूँ तो पहले ही मेरे को मिलता है कि यूज़र मैनुअल, जो यूज़र मैनुअल कभी कोई पढ़ता नहीं है, बट फिर भी अभी के टाइम पे तो बेसिकली लोग जानते हैं कि कैसे इसके यूज़ करते हैं, तो लोग इसीलिए यूज़र मैनुअल उसका यूज नहीं करता है। और एक चीज़, इसका जो फिलिप्स का जो ये सिस्टम है, इसका अगर मैं मॉडल नंबर का बात करूँ तो वो है SPA 8140B। तो आप लोग इस मॉडल नंबर देके भी सर्च कर सकते हो अमेजन वगैरह पे, तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। दोस्तों तो इसके बाद हम लोगों को मिलता है ये दो स्पीकर इधर है, तो ये है दो स्पीकर, तो स्पीकर भी मैंने थोड़ी देर बाद में दिखाता हूँ, पहले दिखा देता हूँ क्या क्या हम लोगों को मिलता है इस बॉक्स के अंदर। और इसके साथ साथ इस पर हम लोगों को मिलता है ये एक छोटा सा रिमोट हम लोगों को मिल जाता है। दोस्तों ये है इसका ऊपर जो है वो ऐसे है दिखने में, इसको भी मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये है ऊपर, तो मैं इस पे आप लोग जैसे देख सकते हो कि इधर आप लोग USB कनेक्ट कर सकते हो, इधर आपका जो SD कार्ड है उसको लगा सकते हो, और इधर पे आपको वॉल्यूम अप डाउन प्ले पॉज फॉरवर्ड बैकवर्ड और इसका जो मोड है वो भी चेंज करने का है। तो ये है, इसको मैं आपको क्लोजअप लुक भी दे देता हूँ, और इस पे आपको पीछे तरफ जो भी कनेक्शन है पावर का, ये बेस के लिए और ये ऑडियो आउटपुट इनपुट के लिए। तो दोस्तों अब इसको कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करके आप लोगों को एक क्लोजअप लुक देता हूँ, और उसके बाद मैं इसका साउंड टेस्ट भी आप लोगों को करके सुनाऊंगा। तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद ये कुछ ऐसा ही लगता है, तो देखिए ऐसे करके मैं इसको सेट करूंगा। तो ये अभी ब्लूटूथ पे, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पेन ड्राइव या SD कार्ड अभी नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट करके आप लोगों को इसका साउंड क्वालिटी दिखाता हूँ। तो क्लोजअप लुक अगर मैं बोलूँ तो ये है इसका USB, इधर पे आप लोग इसका जो SD कार्ड है उसको कनेक्ट कर सकते हो, और इस साइड पर आप लोगों को इसका कंट्रोल्स मिल जाता है, वॉल्यूम डाउन वॉल्यूम अप फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये है प्ले पॉज कर, ये है इसका मोड चेंज करने के लिए, और ये इसका रिमोट, और ये आपका टीवी के साथ कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को ये वायर मिला है। तो दोस्तों मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा इसका डिज़ाइन भी, और उसके साथ साथ इसका जो साउंड क्वालिटी है मैं आप लोगों का भी सुनाऊंगा, और आप लोग मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा इसका साउंड। तो चलिए दोस्तों इसका भी साउंड सुनते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। तो दोस्तों मैं गाना प्ले कर रहा हूँ जो NCS का गाना है, तो वो आप लोग सुनिए, मैं फुल साउंड पे इसको प्ले कर रहा हूँ, और आप लोग बताइए कैसा है इसका साउंड। Riders, people they know. Liars, people they wanna show.
ये फुल साउंड पे है, फिर से भी मैंने फुल साउंड दिया है और इसका भी साउंड फुल है, ये फुल पे कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों ये है इसका साउंड, तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा। बात ऐसा है कि ये इसका जो साउंड है बेसिकली सिस्टम का, इसके लिए आपको घर थोड़ा बड़ा चाहिए, बट मेरा रूम उतना बड़ा नहीं है तो इसीलिए थोड़ा लाउड लग रहा है, बट ये काफी एक बड़ा सा हॉल भी अगर है आपके पास तो भी ये अच्छा खासा पर्पस सर्व करेगा आपको, आपका जो सुनने का एक्सपीरियंस है वो भी काफी अच्छा सर्व होगा, आप लोगों को मजा आएगा सुन के। और बेसिकली ये 4.1 इसमें दो जो बॉक्स है उसका जो वायर है वो थोड़ा लंबा है, तो आप लोग चाहो तो घर के दोनों दीवार पे थोड़े कोने में सेट कर सकते हो, दोनों को इसके पास रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो साउंड है वो चारों तरफ थोड़ा मतलब सर्कुलेट होगा, तो आपको जो सुनने का एक्सपीरियंस है वो भी एनहांस हो जाएगा, तो मेरे को तो काफी अच्छा लगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसका जो प्राइस है इसका, मेरे को काफी अच्छा डील मिला है, मैंने रिलायंस डिजिटल से बाय किया है इसको, और मेरे को ये अगर आप इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो 5200 समथिंग है, तो अगर मैंने इसको जब बाय किया है इसका प्राइस मेरे को लगा वही लगभग 3600-3700 तक लगा है मेरे को, तो अगर आप लोग ऑनलाइन चेक करते हो तो ऑनलाइन पे आप लोगों को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, बट आप लोग अगर ऑफर पे लेते हो तो ऑफर पे भी आप लोग को वही 3600-700 पे ये वाला स्पीकर मिल जाएगा। आप लोग अगर इसने यूज किया है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, और आप लोगों में से कोई हो जो इंटरेस्टेड हो इसको यूज करने में वो भी मेरे को प्लीज कमेंट करके बताना, और आप लोगों को कैसा लगा इसका साउंड क्वालिटी मेरे को जरूर बताना। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करते हैं, यही था इसी चैनल का सबसे महंगा, अभी तक के लिए सबसे महंगा अनबॉक्सिंग। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना, और उसके साथ साथ आप लोगों को अगर फ्यूचर में और भी अनबॉक्सिंग वीडियोस देखना है तो प्लीज वो भी मेरे को कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।